नमस्कार, कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर। कांकेर में 143 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकार प्रदेश में सर्वे करा कर देगी आवास का लाभ। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को कांकेर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मराठ समाज के महासम्मेलन एवं शपथ संग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ 92 लाख रुपए के 95 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसके अलावा सीएम ने दिवंगत पूर्व सांसद सुहन पोटाई के गृह ग्राम बाबू दबेना कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने सुहन पोटाई के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। इसमें 110 करोड़ 15 लाख रुपए के 76 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ 77 लाख रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम भूपेश बघेल करप में मराठ समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिवंगत सांसद सुहन पोटाई के 10 गात्र कार्यक्रम में शामिल होने उनके गृह ग्राम बाबू दबेना भी जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत स्थानीय लोगों ने पारंपरिक नृत्य कर किया। कुसरिया मराठ समाज के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल को सामाजिक रीति रिवाज के तहत पगड़ी पहनाई। सीएम के साथ मंत्री कवासी लखमा, विधायक, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी भी मौजूद हैं। चिरायु योजनाओं से लाभान्वित हुए 5 बच्चों ने गुलाब का फूल भेंट कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। 4 बच्चों के जन्मजात हृदय रोग का इसके तहत इलाज हुआ। वहीं एक बच्चे को जन्मजात मोतियाबिंद से निजात मिली है। कांकेर जिला अस्पताल के लिए MRI मशीन का भी वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास के नाम पर आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस से मारपीट की गई। भाजपा ने लोगों से आवास के लिए फॉर्म भरवाए हैं लेकिन से सरकार को नहीं दे रहे हैं। मैं 4 दिन से फार्म मांग रहा हूं। भाजपा की नियत गरीबों को आवास दिलवाने की नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार प्रदेश में सर्वे करवाएगी और आवास का लाभ देगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा वाले इससे सहमत नहीं होते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। लघु वनोपज की खरीदी में समर्थन मूल्य देने वाली एकमात्र सरकार इस प्रदेश की है। 25 मार्च को सभी धान बेचने वाले किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगी। बता दें कि 2.5 गुना ज्यादा धान कांकेर जिले में इस बार खरीदी की गई है। 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल कांकेर जिले में चल रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक में सबसे ज्यादा इनाम कांकेर जिले को मिले हैं। 1200 करोड़ रुपए ITI ट्रेनिंग के लिए दिए जा रहे हैं। बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है, जो इसके दायरे में आएंगे उन्हें लाभ मिलेगा। पसरा शुल्क अब ग्रामीण क्षेत्रों के सब्जी व्यापारियों से भी नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पटेल समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है।